इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और बाजू में घंटी का आइकन दिख रहा है उसे ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो तो कभी मिस हो ही नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी फ़ोन का लॉक तुरंत अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक भी आ चुका है तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन का डाटा बिना लॉस किए आप अपने फ़ोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, यहाँ तक कि फेस लॉक को भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप टिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी रिमूव करना है, FRP लॉक अगर रिमूव करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन है। अगर आपको स्क्रीन लॉक रिमूव करना है तो उसके लिए भी आपको अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें सैमसंग फ़ोन का, इस फ़ोन का पैटर्न लॉक हम भूल चुके हैं और हम अभी करने वाले हैं इसका रिमूव स्क्रीन लॉक। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं रिमूव स्क्रीन लॉक। एंड इस पर करने के बाद सबसे पहले आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए डाटा केबल के थ्रू। यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन का डाटा लॉस किए बिना अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड सैमसंग डिवाइसेस में है। अगर आप कोई भी फ़ोन का फ़ोन लॉक रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मेरे पास अभी सैमसंग का फ़ोन है तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं। रिमूव विदाउट डेटा लॉस में मेरे फ़ोन का मॉडल नहीं है तो यहाँ पे हम करेंगे ट्राई अनदर वे। लेकिन इस वे में सैमसंग फ़ोन का भी डाटा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स आपको ध्यान से फॉलो करने हैं जो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ये भी आपको ध्यान से बताएगा। तो पहली चीज, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद रीस्टार्ट करना है। और जैसे ही रीस्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा तो आपको अपने फ़ोन के वॉल्यूम अप बटन को, पावर बटन को और होम बटन को एक साथ प्रेस करना है। और तब तक करना है जब तक कि आपका सैमसंग का लोगो आ नहीं जाता है। अब जैसे ही आ जाएगा आपको इसे छोड़ देना है। एंड यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अब आपका कोई भी टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन, इन्हीं तीन बटन से आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। पहला यहाँ पे आपको क्लिक करना है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसीट पे। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। एंड इतना सब करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें आपको कर देना है रिब्यूट सिस्टम नाउ। अब दोस्तों यह अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो फ़ोन है वह आपका लॉक स्क्रीन पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब जो भी स्टेप बचा है वह आपको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट टाइम लेगा और उसके बाद आपका फ़ोन पूरी तरीके से वेलकम पेज पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन का लॉक स्क्रीन रिमूव हो चुका है और यहाँ पे जैसे न्यू फ़ोन लेते हैं उस तरीके से यह आ चुका है। तो यहाँ पे आप फटाफट से सब कुछ सेटअप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए। तो अगर आपको अपना ईमेल आईडी याद है तो यहाँ पे आप डाल लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देता है इसे भी रिमूव करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव गूगल लॉक, यानी कि यही वाला लॉक। तो यहाँ पे मुझे याद है तो मैं फटाफट से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ और फटाक से सब कुछ सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आप बिना पिन पैटर्न लॉक डाले आप इस फ़ोन के होम पेज में नहीं आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैटर्न लॉक नया वाला ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया। एंड सब कुछ कंप्लीट करने के बाद यह मेरा फ़ोन
पूरी तरीके से नया बन चुका है और हमने आसानी से अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन अनलॉक कर दिया है। तो अगर आपको यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाकर डाउनलोड कीजिए और आप भी अपने फ़ोन के कोई भी लॉक स्क्रीन को रिमूव कर लीजिए।